भाई और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या नमना है, क्या मांगे हैं। ये आज सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे जाते हैं। आज इन्हें 14वां दिन है, 14 दिन से लगातार अपने स्ट्राइक कर रहे हैं। मैडम आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आई हैं? एक तो जो उन्होंने DSSB की रेगुलर वैकेंसीज ली है उसमें हमें कोई वेटेज नहीं मिला, हमें एक चांस भी नहीं मिला। कई ज़्यादा हमारी जो वो है कैंडिडेट से उन्होंने एग्जाम भी नहीं दे पाए वो, इन्होंने इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया डिपार्टमेंट ने इनको, बल्कि ये देखना चाहिए। और जो केजरीवाल सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए बोल रहे हैं वो हमारे पे भी लागू होता है, सिर्फ गेस्ट टीचर्स पे नहीं होता, तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आपके साथ में किसी तरीके का ये भेदभाव करते हैं तो आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? हम तो स्ट्राइक पे बैठे हैं, जब तक सर नहीं सुनेंगे हम स्ट्राइक पे ही बैठे हैं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आगे सर जो हम जो है 24 घंटे की हड़ताल पे जाने के हमको पहले ही नोटिस कल दे चुके हैं और आज भी हमने एक लेटर तैयार किया जिसमें हमने इनको रिमाइंड दिलाया है कि हम 24 घंटे की हड़ताल पे हमें जान पे मजबूर ना करें। क्योंकि मोनिका जी तो एक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही योजना है, तो आप ये दिल्ली सरकार के ही पीछे क्यों पड़े हैं, केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांग मान रहे आपने? स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है तो हम स्टेट से ही ये मांग करेंगे। जब हमारी स्टेट ही नहीं सुनेगी तो हम आगे सेंटर पे तब जाएंगे जब हमारी स्टेट नहीं सुनेगी। लेकिन योजना तो केंद्र सरकार की है, सारी जो केंद्र सरकार जो योजना देती है तो स्टेट वाले करते हैं इसको। लेकिन जो इन्होंने बोला था ना इलेक्शन में मैनिफेस्टो में अपना कि मैं ठेकेदारी खत्म करूंगा, ठीक है, वो ये वादा अपना पूरा नहीं कर रहे। आपने तो ये बोला था हम डिफरेंट है, हम सब कुछ करेंगे, हम उन पार्टियों जैसे नहीं है, तो आप करके दिखाओ ना जो आपने बोला उसको करो पूरा।